Hello students, this is the first lecture on the topic balance of payment. In the last lecture we have discussed about foreign exchange. ये उसी unit का दूसरा chapter है which is related with balance of payment and these both the chapters are interrelated with each other. So let us start with the balance of payment. Okay, first and foremost आपके सामने question. Globalization and liberalization has increased the mobility of both men and material. ठीक है, सबको याद है, अपन ने रीड करा हुआ है एलपीजी पॉलिसी. एलपीजी पॉलिसी आई थी 1991 में. अब ये आगे उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ोगे, पर एज सच ग्लोबलाइजेशन के बारे में सबको पता है दैट इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ओनली मैं बाहर के गुड्स यहाँ पे मंगा पा रहा हूँ और यहाँ के इंडिया के गुड्स बाहर जा पा रहे. ओके, तो ग्लोबलाइजेशन अगर नहीं होता तो मैं ना फॉरेन मार्केट में डील कर पाता ना मेरे पास फॉरेन गुड्स आते. नाउ देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच इज सेल्फ सफिशिएंट. मतलब ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसके पास सारे गुड्स अवेलेबल हो. टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया. हम पेट्रोल क्या करते हैं बेटा, इम्पोर्ट करवाते हैं फ्रॉम सऊदी अरब एंड फॉर अरेबियन कंट्रीज. तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसके पास सारे गुड्स अवेलेबल हो. चलो इंडिया इंपोर्ट कराते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है. यू विल नॉट बिलीव, इंडिया मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, अपनी स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है. आपकी नागपुर के ऑरेंजेस, नागपुर के ऑरेंजेस आपने सुना ही है बेटा, इनका एक्सपोर्ट और ज्यादा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का. अभी एक रिलायंस का एक और मैंगो फार्म है, उसके यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं. सो एवरी कंट्री इम्पोर्ट्स द गुड्स दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस. तो हम वो सारे गुड्स क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. पर इसके लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, इसके लिए मुझे चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो फॉरेन पेमेंट के साथ साथ मेरी सरकार के पास बैलेंस भी तो अवेलेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो बोले कि भैया फॉरेन एक्सचेंज मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है. सो एवरी गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन. अब यहाँ पे व्हेन इंडियन एक्सपोर्ट्स, जब इंडिया कोई एक्सपोर्ट करता है तो मैंने पहले बोला इनफ्लो आएगा फॉरेन एक्सचेंज का, और जब इंडिया इम्पोर्ट करता है तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी देयर. क्लियर, जब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो आपका इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आएगा, और वहीं अगर जब इंडिया इंपोर्ट करेगा तो आपके सामने आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा. ओके, जो अपन ने फॉरेन एक्सचेंज में रीड कराई था कि आपके इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अब एक क्वेश्चन, एवरी कंट्री रिकॉर्ड ऑल दीज ट्रांजेक्शन. जैसे मैंने बोला कि सारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन मुझे कहां पे मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, जो आपकी गवर्नमेंट मेंटेन करती है. अब जैसे समझो ये कुछ भी नहीं है, एक स्टेटमेंट है जो मेंटेन करती है गवर्नमेंट. काहे के लिए मेंटेन करती है, ताकि पता तो चले कि भैया कितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आ रहा है और कितना हमारे यहाँ से जा रहा है. ऐसा नहीं कि हम लॉसेस में चल रहे हो. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, याद रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेटमेंट है. अब एक बात समझो, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा कि फ्लो कॉन्सेप्ट होगा? सर फ्लो कॉन्सेप्ट होगा. फ्लो, श्योर सर, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे थोड़ी ना है. पर्टिकुलर टाइम पे नहीं है, पर्टिकुलर टाइम पे एट अ डेट. सी इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ ईयर. अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, एक साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये उस दिन की पोजीशन बताएगा कि इस दिन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना अवेलेबल है. सो स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े थे स्टार्टिंग में. स्टॉक इज समथिंग व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर मैं बोलूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल्सो अ पॉइंट स्टेटमेंट. जैसे बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट हमको बताती है कि मेरे पास इतने असेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी हमको इतना ही बताएगा कि भैया मेरे पास इतना कैश अवेलेबल है, इतना बाहर जा चुका है. वो पूरा एक दिन, उस दिन पे क्या पोजीशन है. नॉर्मली ये भी फाइनेंस, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ सर. स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ, यस. तो नॉर्मली दिस ऑल्सो फॉलोज द फाइनेंशियल ईयर. हर फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट देखती है भैया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. ओके, अब आ जाते हैं वाई. फर्स्ट टू नो द इंटरनेशनल पोजिशन, कि भैया मेरी पोजिशन कितनी है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक पोजिशन अच्छी है. दूसरा, गवर्नमेंट चेक इट्स मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, कि भैया हमारी मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी के कारण ऊपर नीचे तो नहीं हो गया. तीसरा, गवर्नमेंट चेक्स इट्स ट्रेड एंड पेमेंट पॉलिसी, कि भैया हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बिजनेस है
क्या वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही पता चलेगा. ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बेटा? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट. सो लेट अस कम ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्या बोलता है? इट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. याद रखना, सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जिसको हम पैसे में कन्वर्ट कर सकें, एनीथिंग विच इज मेजर्ड इन मनी. भले ही आपके किसी फॉरेन फ्रेंड ने आपको गिफ्ट भी भेजा ना बेटा, वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, बिकॉज दैट इज बीन सेंड इन फॉरेन एक्सचेंज. मान के चलो उसने आपके लिए ऑर्डर करा, आज बैठे बैठे दुबई से उसने ने आपके लिए यहाँ पे केक ऑर्डर कर लिया आपकी उनकी वेबसाइट से, वो केक आपके घर पहुंच गया, तो वो भी स्टेटमेंट का रिकॉर्ड है, वो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा. सो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड बिटवीन हुम, बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कैरिड आउट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ओके, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने ट्रांजेक्शन हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और भी चीजें आ सकती है. अब आ जाते हैं ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस जो रिकॉर्ड होते हैं बेटा, वो हमेशा रिकॉर्ड होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे. अब ये अकाउंट्स में अपन ने पढ़ लिया है डबल एंट्री सिस्टम. सो क्रेडिट साइड जो रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे पास इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आया है, और वही डेबिट साइड बैलेंस ऑफ पेमेंट बताएगा कि मेरा आउटफ्लो क्या है. तुमने अभी एक और करके रखा होगा एनपीओ, तो एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो चुका था, सुना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ हो गया 12th में. अभी अकाउंट्स में एनपीओ चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, nobody is replying. रिशिका, एनपीओ चैप्टर हुआ? No, she has left. गौरव, एनपीओ चैप्टर हुआ? सर वो एनपीओ का अकाउंट्स में मैं पढ़ नहीं रहा ना, आपको बताया था. अच्छा, ओके. सो सी, जैसे चलो अपन ने 11th में तो पढ़ा है ना डबल एंट्री बुक सिस्टम, जिसका एवरी क्रेडिट हैज एवरी अपोजिट डेबिट. तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट भी वर्क करता है किस पे? इट इज वर्किंग ऑन डबल एंट्री बुक सिस्टम. सो अब आ जाते हैं क्या उसका इनफ्लो और आउटफ्लो है. फर्स्ट, क्रेडिट आइटम क्या करेगा? ऑल द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, वेदर इट इज फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सारे मतलब जो भी इनफ्लो आ रहा है. और डेबिट मतलब पूरा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड करेगा. ओके, अब सी हाइपोथेटिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री जैसे दिखता है. दिस इज अ जस्ट अ स्टेटमेंट, पर ये बहुत बड़ा होता है. मैं अभी यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि कैसे होता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेटा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट. फिर दोनों के देखो, इसका क्रेडिट साइड देखो और इसका डेबिट साइड. तो क्रेडिट साइड में देखो, सारी चीजें से आपको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है. मैंने एक्सपोर्ट करा, मैंने सर्विसेज दी, मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है बाहर से, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स ने करा है. तो ये सारे के सारे बेटा आपको इनफ्लो दिखा रहे हैं कि आपका इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हुआ है फ्रॉम द क्रेडिट साइड. फिर आ जाते हैं आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा वो हमेशा रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड. जैसे यहाँ पे देखो, इम्पोर्ट्स, इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज अगर अपन ने इम्पोर्ट करी है, इन्वेस्टमेंट इनकम हमको किसी को देनी पड़ रही है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स और पेमेंट्स क्या होते हैं आई विल टेल यू इन द अपकमिंग स्लाइड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया ने करा है. ऋषिका का मैसेज आया, वो बोल रही है कि नहीं हो रहा ज्वाइन. ओके, अगेन लेट इट बी, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, लेट मी सी शी हैज जॉइंड और नॉट. As I told you, beta, in on the debit side now, on the debit side, all the outflow will be recorded. जैसे imports हुआ, जैसे investment हुई, unilateral payments हुए, portfolio investment अगर India कर रहा है बाहर, और ये सारी borrowings, अगर borrowings by abroad, external assistance, तो ये सारी चीजें क्या है, इनसे आपका outflow होगा. So this is showing the outflow of foreign exchange. Okay? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो ये इनफ्लो आउटफ्लो के रिकॉर्डिंग के बाद तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन. दिख रहा है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन? दिख रहा है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन? बताओ. यस सर. ओके, सो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन जो बेटा रहेगा, दैट इज अगेन अ बैलेंसिंग फिगर.
अब इसी से ही गवर्नमेंट अपने क्या करती है, पॉलिसीज चेंज करती है. अगर उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करना है तो वो जो भी चेंजेस हैं, दैट चेंजेस विल बी डन विद ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ट्रांजेक्शन. अब आएगा आगे आगे जैसे समझते हैं. टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट करंट अकाउंट. नाउ अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की करंट अकाउंट क्या है. सी, जैसे अपन ने गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था, याद है रेवेन्यू आइटम्स एंड कैपिटल आइटम्स, याद आ रहा है? गवर्नमेंट बजट में अपन ने रेवेन्यू और कैपिटल पढ़ा था. तो उसमें रेवेन्यू आइटम्स कभी एसेट को अफेक्ट नहीं करते थे. तो वैसे ही यहाँ पे जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होंगे ना बेटा, वो कभी भी असेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे. पर जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट हुई या कैपिटल पेमेंट हुए, तो वो हमेशा आपकी असेट लाइबिलिटी पोजिशन को अफेक्ट करेंगे. जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्या दिया हुआ है आपको, करंट रिसिप्ट. क्या बोला, करंट रिसिप्ट या तो ना ही आपके असेट को अफेक्ट कर रही है ना ही आपकी लाइबिलिटी को. इट इज नॉट अफेक्टिंग माई असेट एंड लाइबिलिटी पोजिशन. वही करंट पेमेंट्स नाइदर इंक्रीजेस द असेट नॉर रिड्यूसेस द लाइबिलिटी. तो यहाँ पे भी असेट लाइबिलिटी की पोजिशन में कोई चेंज नहीं है. लेकिन कमिंग अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट, जो कैपिटल अकाउंट है बेटा, वो हमेशा अफेक्ट करेंगे. रिसिप्ट या तो मेरे असेट को कम करेगी या तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज करेंगी. और कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स या तो मेरे असेट को अगेन इंक्रीज करेंगे या तो मेरी लाइबिलिटी को क्या करेंगे, रिड्यूस. सो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन जो अभी अपन ने देखे थे, जितने भी ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर के होंगे वो हमेशा आपकी असेट लाइबिलिटी को अफेक्ट करेंगे. और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होंगे जो आपकी असेट लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे. दूसरा, जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है बेटा, वो हमेशा रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं. और जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं, दे आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर. वो हर बार नहीं होंगे, साल में एक या दो बार ही आते हैं. क्लियर है यहाँ तक करंट कैपिटल का? बताओ गौरव, करंट कैपिटल इज क्लियर? हाँ सर. आप देखो, करंट रिसिप्ट एंड पेमेंट, फर्स्ट इज इट इज रिकॉर्डिंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिलेटिंग टू करंट ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल सर्विसेज. अब यूनिलेटरल क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन. एंड इट शोज द नेट इनकम जनरेटेड इन फॉरेन सेक्टर. इनसे हमको ये पता चलता है कि एक्चुअली कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करा है और आपकी एक्चुअल ट्रेड इनकम कितनी है, या फिर आपने गुड्स एंड सर्विसेज से कितना कमाया है. बेसिकली करंट अकाउंट वो बताता है. ओके, करंट अकाउंट टेल्स अस दैट बेसिकली व्हाट इज द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ नेट इनकम थ्रू योर पर्टिकुलरली इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ मूविंग ऑन टू द करंट अकाउंट आइटम्स के कंपोनेंट्स. बेटा क्या क्या कंपोनेंट्स करंट अकाउंट के अंदर होते हैं. जैसे मैंने बोला था कि पहला विजिबल, दूसरा इनविजिबल और तीसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर. नाउ इट इज वेरी मच इजी. क्या बोला कि विजिबल आइटम कौन कौन से होंगे, वो वाले आइटम्स होंगे जो गुड्स के तौर पे. सी, गुड्स विजिबल होते हैं कि इनविजिबल होते हैं, टेल मी. पता गुड्स विजिबल होगा कि इनविजिबल होगा. विजिबल, विजिबल. तो विजिबल में यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, विच अ कंट्री कैन एक्वायर फॉरेन करेंसी बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स. इट्स कॉल्ड विजिबल आइटम बिकॉज गुड कैन बी सीन टच एंड मेजर. अब एक चीज याद रखना, इसको हम एक और नाम बोलते हैं जिसको बोलते हैं बीओटी, विच इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड. तुमने बिजनेस स्टडीज में ट्रेड पढ़ा होगा, पढ़ा है ट्रेड वर्ड. तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड इज डीलिंग विद ओनली गुड्स, उसमें सर्विसेस नहीं आती है, सर्विसेस का कभी ट्रेड नहीं होता है. तो करंट अकाउंट का जो विजिबल आइटम पोर्शन होगा वो हमेशा सिर्फ ट्रेड पे फोकस करेगा और उसको हम कभी कभार बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. अब बच्चे कंफ्यूज मत होना, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत बड़ी चीज है. बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड आ रहा है, ठीक है. फिर आ जाते हैं इनविजिबल. टेक दी एग्जांपल सर्विसेज. आप मान के चलो कि आप एज अ पर्टिकुलर अपना घर बनवा रहे हो और आपने किसी फॉरेनर को अपना एक पर्टिकुलरली इंटीरियर डिजाइनर हायर करा है और वो आके सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहा है एज अ इंटीरियर डिजाइनर. तो उसने सर्विसेज दे दी, तो ये इसको विजिबल में रखोगे इनविजिबल में रखोगे? इनविजिबल ना, सर्विसेज दे रहा है. विजिबल होता तो मान के चल, अगर वो लेकर भी आया तो वो विजिबल आइटम में आ जाएगा.
अगर आपने आपने उसे फर्नीचर मंगाया बाहर से किसी का, तो वो विजिबल आइटम पे, पर जो आप उसको एज अ प्रोफेशनल फीस दोगे कि भैया आपने मेरा घर पूरा डिजाइन करा है, तो उसके लिए क्या मिलेगा, दैट विल बी इनविजिबल. क्लियर? तो वो इनविजिबल हो गया. सर्विसेज एंड फ्लोज ऑफ इनकम दैट टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूड्स बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनकम. अब यूनिलेटरल आ जाते हैं बेटा. तो यूनिलेटरल वो सारी चीजें हैं जिनमें गुड्स एंड सर्विस का कोई रोल नहीं है. पर याद रखना, विच आर मेड विदाउट एक्सेप्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. मान के चलो गिफ्ट, रेमिटेंस एज वेल एज ग्रांट्स, इन दोनों के लिए बेटा आपको इधर पेमेंट मिलेगा या आप पेमेंट दोगे. सपोज मैंने आज अपनी सर्विसेज एज अ टीचर किसी फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ा दिया, तो वो मुझे पेमेंट देगा, तो वो किसके अंदर आएगा, विजिबल की इनविजिबल? इनविजिबल. इनविजिबल. तो वो सर्विस दी, तो ये इनविजिबल, क्योंकि मैंने उसको सर्विस दी तो उसने मुझे उसका पेमेंट दिया. पर अगर मान के चलो मेरे फॉरेनर में एक रिलेटिव है और बस उसको तीन चार टॉपिक समझने थे, तो मैंने जस्ट उसको समझा दिया, तो वो किसके अंदर आएगा, विजिबल? यूनिलेटरल ट्रांसफर होगा, जिसमें कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है. तो उसने बोला चलो ठीक है, तुम फीस नहीं ले रहे हो, तुमने मेरे को इतना अच्छा पढ़ा लिया, तो मैं एक गिफ्ट भेज रहा हूँ अपनी तरफ से, उसे एक्सेप्ट कर लो. तो वो क्या हो गया, जो गिफ्ट उसकी तरफ से आएगा यूनिलेटरल, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो मुझे कुछ रिटर्न में दे. वो ट्रांजेक्शन था ही नहीं, वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, बट हमने उसे फैक्टर इनकम के तौर पे नहीं दिया. ओके, तो दैट इज नोन एज यूनिलेटरल ट्रांसफर. अब आ जाओ इसका पूरा पर्टिकुलरली, सी दी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ऐसे विजिबल आइटम मैंने बताया, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, तो वो कंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड करेगी, या फिर जो गवर्नमेंट है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगी, दी गवर्नमेंट रिकॉर्ड करेगी विजिबल में. और इसको दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, बैलेंस ऑफ ट्रेड. ओके, मूवमेंट इज ओपन एंड कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिसर. एक चीज याद रखना, तुमने जब भी कुछ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कराया होगा, तो बेटा वो कस्टम ऑफिस से, अभी भी ऐसा नहीं कि हमने कुछ मंगा लिया और वो कस्टम ऑफिस से गुजरेगा नहीं, आपने जो भी चीज मंगाई है वो कस्टम ऑफिस से जरूर गुजरेगी. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज रिलेटेड विद गुड्स, और इसमें कस्टम ऑफिस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है. कस्टम ऑफिशियल का, वो पूरा चेक कर दें कि आपने क्या गुड्स मंगाया है. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज रिलेटेड विद योर विजिबल आइटम. विजिबल आइटम्स को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. अब आ जाए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेस. जैसे मैंने बोला कि मैं यहाँ बैठ के सपोज टीचिंग दे रहा हूँ, तो कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सर्विस दे रहा है, तो ये क्या दे रहा है, वहां घर बैठे किसी फॉरेन कंपनी को सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, तो ही इज प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज फ्रॉम होम. तो ये इनविजिबल के अंदर आएगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन. वही ट्रैवलिंग, टूरिज्म, दीज आर व्हाट, ऑल आर इनविजिबल सर्विसेज. कोई गुड्स हम कुछ नहीं ले रहे, अगर गुड्स लेकर आओगे तो विजिबल आइटम में अपना ऑटोमेटिकली आ जाएगा. क्लियर? अब आ जाते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर पे. सो यूनिलेटरल ट्रांसफर, अब जैसे यहाँ पे विजिबल आइटम देख दिया, इनविजिबल आइटम इन करंट अकाउंट इंक्लूड्स दोनों. अच्छा, अभी इनविजिबल खत्म नहीं हुआ, अंडरस्टैंड. इनविजिबल विल इंक्लूड बोथ नॉन फैक्टर सर्विसेज ऑल्सो, जैसे यहाँ पे ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस, एंड फैक्टर इनकम ऑल्सो. फैक्टर इनकम कौन कौन सी, प्रॉफिट, डिविडेंड और इंटरेस्ट. अब फैक्टर इनकम बेटा वो सारी इनकम होती है जिसके लिए आपने कुछ वर्क करा हो, और नॉन फैक्टर ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस, दीज आर नोन एज नॉन फैक्टर इनकम. मान के चलो मैंने किसी फॉरेन कंपनी से इंश्योरेंस करवाया है, यहाँ किसी फॉरेन कंपनी से ट्रांसपोर्टेशन पूरा मैनेज करवा रहा हूँ, सो इन दिस केस व्हाट इट विल बी, इन दिस केस इट विल बी नोन एज व्हाट, इन दिस केस इट विल बी नोन एज नॉन फैक्टर सर्विसेस. क्लियर हो गया, फैक्टर इनकम एज वेल एज नॉन फैक्टर इनकम? यस सर. चलिए आगे बढ़ सकते हैं अपन. अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, इतना ही रखते हैं सर आज का. हाँ, तो बस ये लास्ट स्लाइड यूनिलेटरल ट्रांसफर की, एंड देन वी विल एंड अप. करंट अकाउंट इज एंडेड. नाउ यूनिलेटरल ट्रांसफर में बेटा क्या होगा, दैट इज ट्रांसफर या तो इंक्लूड्स गिफ्ट्स एंड रेमिटेंस, एंड इट इज कॉल्ड अनरिटर्न्ड रिसीव्ड बिकॉज रेसिडेंट ऑफ कंट्री रिसीव इज फॉर फ्री. मैंने उन्हें डिमांड नहीं करा था, पर उन्होंने मुझे फ्री में दे दिया. अच्छा, एक रीसेंट केस स्टडी इसमें बहुत अच्छी आई थी.
अभी आपको याद है केरला में वो फ्लड्स ज्यादा हुए थे, तो आपकी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को ग्रांट्स मिले थे, कहाँ से मिले थे? बाहर वाली कंट्री से। तो अगर ये ग्रांट्स बाहर वाली कंट्री ऐसा डोनेशन दे रही हैं, तो इनको आप कहाँ पे रखोगे? विजिबल यूनिलेटरल यूनिलेटरल, क्योंकि ये ग्रांट्स हमने ऐसे नहीं, जो बाहर वाली कंट्री वो डिमांड करेगी भैया हमको इसको सूद समेत आप वापस दे देना जब आप ठीक हो जाओ। नहीं, सिचुएशन ऐसी है अभी, जैसे कोरोना वायरस के अंदर ही बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे का हेल्प कर रही हैं। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ दे आर हेल्पिंग ईच अदर? सो दे आर नॉट डिमांडिंग कि आप अगर आप अच्छे खासी पोजिशन पे आ जाओ तो उसको वापस रिटर्न कर देना। दे आर जस्ट गिविंग इट अस फॉर फ्री। ओके, दिस इज यूनिलैटरल ट्रांसफर। सो टुडे सेशन वाइंडिंग अप, आज अपन ने ये पढ़ा सबसे पहला, एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कितने अकाउंट होते हैं बेटा? करंट अकाउंट और बताओ, करंट अकाउंट और मैं थी नहीं कैपिटल, सर उस कैपिटल टाइम। अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर तीन चीजें अभी अभी वाइंड अप करें। करंट अकाउंट के अंदर पहली चीज विजिबल विजिबल, विजिबल इनविजिबल यूनिलेटरल इनविजिबल एंड यूनिलेटरल। अच्छा, कौन इफेक्ट देगा आपके असेट एंड लाइबिलिटी पोजीशन को? करंट अकाउंट की कैपिटल अकाउंट, आपके असेट लाइबिलिटी पोजीशन को कौन चेंज करेगा? करंट। अच्छा, असेट लाइबिलिटी पोजीशन करंट से चेंज हो जाएंगे रिश्ते का। तो मैं थी नहीं तब सर। बेटा अंडरस्टैंड, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन योर असेट लाइबिलिटी पोजीशन। करंट अकाउंट से कभी भी आपका असेट लाइबिलिटी पोजीशन चेंज नहीं होती। ओके, वो तो एक तरह का इनकम है, एक तरह की फॉरेन इनकम है जो अपन ने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में कमाई है। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड यू विल अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। ओके।